हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सीओ डॉट इन, एक ऐसी जगह जहां आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, बिहार एसआई का जो मेंस होने वाला है, बिहार दरोगा का रिजल्ट निकल गया है, अब मेंस होने वाला है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमें लिखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर, कम समय में अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे क्या पढ़ें कि अच्छा रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो जाए। तो इस सब को हम रख के एक हमने एक रणनीति तैयार किया है, जो अपने बच्चों को, जो अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहते हैं। आप चाहो तो इस रणनीति को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको पक्का सफलता मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे वेबसाइट के इस पेज पे आ जाओ। इस पेज पे आने का तरीका ये है कि आप हमारा वेबसाइट लिखो examcu.in अपने ब्राउज़र पे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, और उसके बाद देखो ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, बिहार असाइनमेंट एग्ज़ाम डेट सिलेबस, बिहार दरोगा एग्ज़ाम, ये वाला जो है आपको ओपन करना है। या तो आप करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट, जी के, PDF डाउनलोड, जो भी देखना चाहते हो। देखो ये मीनू ऊपर आ रहा है, आप यहाँ पे बहुत सारा जी के, करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो नीचे आता है, नीचे मोबाइल में नीचे आता है। या आप सर्च में ही लिख दो जो आपको चाहिए, बिहार दरोगा या बिहार SI, कुछ भी लिख दो, तो ये आपको ये हमारा ये पोस्ट आ जाएगा। ओके, या आप एग्ज़ाम से मिला के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का स्टडी मटेरियल चाहिए, BPSC का चाहिए, दरोगा मेंस का चाहिए, इंटर लेवल का चाहिए, सबका अलग अलग यहाँ पे हमने स्टडी मटेरियल रखा हुआ है। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं बिहार दरोगा का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्या रणनीति आप अपनाओ कि आपका सिलेक्शन खूब बढ़िया से हो जाए। तो सबसे पहले इसका सिलेबस तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा हल्का सा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करता हूँ, साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो सबसे पहले देखो पेपर वन जो है वो हिंदी है, जो कि क्वालिफाइंग है। तो आप इसके लिए ल्यूसेंट का जनरल हिंदी बुक पूरा पढ़ लो, ये बहुत ही अच्छा है। और ये PDF हमारे वेबसाइट पर डाला हुआ है, ये लिंक देखो नीचे, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करो डाउनलोड हिंदी ल्यूसेंट बुक PDF, तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF का फ़ायदा ये है कि आप अपने मोबाइल में रख सकते हो, कहीं भी घूम फिर रहे हो, चल रहे हो, तो ओपन करके आप हिंदी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हो। तो हिंदी के लिए आप ये कर लो, डिसेंट हिंदी पढ़ लो, बहुत 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 अच्छा है। इसके अलावा पेपर टू जो है, इस पे ध्यान देना, फोकस देना बहुत ज़रूरी है। पेपर टू में जो है 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहला है GS, मैथ और रीजनिंग। GS 60 क्वेश्चन है, मैथ 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल साइंस के लिए आप ल्यूसेंट या SPD पढ़ लो, ये दोनों, ल्यूसेंट बहुत अच्छा बुक है, इन्हीं किताबों से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आगे पीछे करके पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के लिए आपको एक बुक कर लो, मार्केट में बहुत बुक्स हैं, RS अग्रवाल, MTIRA, NK सिंह, अरिहंत पब्लिकेशन का, ये सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप किसी एक बुक को ही फॉलो करना, सभी बुक को देख कर कन्फ्यूज़ करने की भूल ना करें, क्योंकि लोग होता है थोड़ा RS अग्रवाल से पढ़ते हैं, थोड़ा MTIRA से पढ़ते हैं। ये गलती, कोई भी एक बुक पढ़ो, थोड़ा 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 आगे पीछे देखते रहो आपकी, क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ पढ़ रखा है, तभी आपने क्लियर किया, प्रिलिमिनरी क्लियर किया है, तो आपको मालूम ही होगा। इसको आप बिल्कुल देखते रहो, और ल्यूसेंट को भी देखते रहो, SPD को, या मतलब सारे बुक्स को देखना जरूरी नहीं है। जनरल साइंस के लिए एक बुक पकड़ लो और मैथ्स के लिए एक बुक पकड़ लो। करंट अफेयर्स जो है पिछले 7-8 महीना का आप करंट अफेयर बिल्कुल देखो, ठीक है ना। आप इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है इसके लिए देखो, ऊपर ये लिंक आ रहा है करंट अफेयर, आप इसको अगर आप क्लिक करते हो तो, और बताया ना, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ये लिंक बिल्कुल नीचे आएगा, तो आप यहाँ करंट अफेयर के इसमें आ जाओगे। यहाँ पे देखो बहुत सारा करंट अफेयर है, अगर आप ये रेगुलर देखते रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके परीक्षा में ये बहुत हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर देख लो, उसके बाद बेसिक्स ऑफ बिहार, बिहार में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप देख लो, क्या कंप्लीट कर लो, चंपारण सत्याग्रह, वीर कुंवर सिंह, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार भूगोल, बिहार सरकार की नीति योजना, ये सब जरूर 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 देख लो, क्योंकि बिहार का परीक्षा है, ये सब सवाल घुमा फिरा के बहुत आ सकता है। इसके अलावा ल्यूसेंट जो बुक है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जितना भी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो या देखते रहो। बिहार परीक्षा के जो भी पिछले प्रश्न पत्र हैं, जहाँ से भी जैसा भी मिलता है, सबके क्वेश्चन को देखो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, 40-50% क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपने पिछले सारे क्वेश्चन को देख रखा है तो आपकी परीक्षा में सफल होने की संभावना बहुत 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 अच्छी होती है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट करो। तो प्रैक्टिस टेस्ट आप बाज़ार से कोई भी एक किताब खरीद लो, अच्छी किताब खरीद लो,
और मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम में आप रूम में 2-3 घंटे आराम से बैठते हो, वैसे ही बिल्कुल रूम बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और आप 2 घंटे या 3 घंटे लेके बिल्कुल बैठ के पूरे पेपर को बनाओ ईमानदारी से। अगर 2 घंटे में जितना सवाल हल हुआ उतना ही करो, बाकी छोड़ दो, और उसके बाद खुद का मूल्यांकन करो कि आपने कितना सही जवाब दिया, कितना गलत जवाब दिया, कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा, और आपके अपने कितने नंबर आए, ये आपको हेल्प करेगा। अगर घर में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कई लोगों का होता है घर में कि कभी कोई मम्मी आ गए, पापा आ गए, दोस्त आ गए, कुछ डिस्टर्बेंस लगा रहता है, बच्चे वगैरह हैं, तो आप अपने मोहल्ले के आसपास, कोई बहुत दूर नहीं, बिल्कुल आसपास, जहाँ पे आप 15 मिनट से आधे घंटे में पहुँच सकते हो, क्योंकि कई लोग लंबे लंबे दूर आने जाने में ही टाइम मनी एनर्जी सब वेस्ट होता है, तो घर के आसपास कोई प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन कर लो, जहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम की तरह लड़कों को बिठाया जाता है, बेंच पे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है निश्चित टाइम पे, और फिर सॉल्व करना होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, उसमें बताया जाता है कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया, कितना प्रश्न गलत किया, कितना सही किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रतिदिन एक सेट जरूर 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 बनाना, जरूर बनाना, अगर जो आप इसको मिस करते हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा, इस मोमेंट पे डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाना और खुद का इवैल्यूएशन करना, ठीक है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितना भी ये है सिलेबस, टेक्निकलिटी है, उसको फॉलो करो। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, इसके नीचे देखो कमेंट बॉक्स में, ज़रूर 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 लिखना, हमारे टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिदिन थोड़ा योग व्यायाम जरूर करो, इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। ज़्यादा तेल घी मसालेदार ये सब मत खाओ, घर का खाना ही खाओ, फल सब्जी दूध दही का सेवन करो, संतुलित आहार और व्यायाम करते रहने से दिमाग और शरीर जो है दोनों स्वस्थ रहेगा, और आप परीक्षा को अच्छे से अच्छा क्रैक कर सकोगे। और हम बहुत सारा करंट अफेयर्स, जीके, यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स है, जीके है, ये सब जो है एक्चुअली हम डालते रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे, आप इसे पाते रहना चाहते हो तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे इस वेबसाइट में जो ये सब लेसन वगैरह सब जो हमने दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है, इन सबको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि आपको हर एक सूचना मिलती रहे हमारी तरफ से। तो कोई भी डाउट कन्फ्यूजन के लिए ज़रूर लिखना, हिचकना मत, हमारे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।